खुदा की बस्ती से बाखबर रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको तमाम वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान ज़ैन इम्तियाज़ आपके खिदमत में हाजिर, और आप देख रहे हैं खुदा की बस्ती। नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसी VIP कॉफ़ी मेकर शख्स के साथ मुलाकात करवाने जा रहे हैं, जिसने यहाँ से नहीं, पाकिस्तान के किसी बड़े शहर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद से नहीं, बल्कि हांगकांग से कॉफ़ी बनाने का तरीका सीखा और पाकिस्तान में आकर यहाँ पर लोगों को जो है इतनी VIP जो कॉफ़ी है और बिल्कुल मुनासिब रेट में यहाँ पर मुहैया कर रहे हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं कॉफ़ी मेकर सर। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह जी, वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि आप हांगकांग कब गए और ये कॉफ़ी जो है ये बनाने का तरीका कैसे आपने सीखा? हम थे होलसेलर और रोड में म्यूज़िक के, तो वो मेरा प्रोग्राम बना, मैं हांगकांग का एक चक्कर लगा के हूँ, वहाँ बरतानिया छोड़ रहा था, लास्ट ईयर था उसका 2002 में। तो फिर मैं हांगकांग गया कलोन शहर में, वहाँ पे एक चोंगकिंग मैंशन है, वहाँ पे मैं रह रहा था और मेरा रूममेट था, मेरे रूम चोंगकिंग मेंशन, चोंगकिंग मेंशन, चोंगकिंग मेंशन, यस, कलोन शहर था जी, कलोन, और स्टार फेरी साथ था, समुंदर उसके साथ था। सही। तो मैं वहाँ पे मैंने तकरीबन 10 डेज गुजारे हैं वहाँ पे। तो मेरा रूममेट था, वो मेरे साथ साथ ही जाता था मेरे डिस्को में भी, और खाना शाना हमने इकट्ठे खाना है, तो वो कॉफ़ी बीट करता था रात को। अच्छा। दो दो घंटे लगा देता था, मैंने कहा यार पिलानी तो जल्दी से पिला, कह रहा है कभी टाइम लगना है इसको। अच्छा। वो मैं देख रहा होता था उसको, वो ऐसे ही करता था जैसे मैं कर रहा हूँ अब, क्या ये बीट, लेकिन वो हाथ से ही बीट करता था, कोई बीटर नहीं रखा हुआ था उसने। यानी कि आपने सारी जो कॉफी बनाने का तरीका है वो हांगकांग से सीखा? हांगकांग से सीखा, वो उसने चूल्हा ऐसे ही रखा हुआ था, दूध उसे बॉइल करता था, ये कॉफी बीट करता था, फिर वो हमें पिलाता था, मुझे बहुत मजा आता। कितनी किस्म की कॉफीज आप बनाते हैं, कितने फ्लेवर्स हैं? मेरे पास 19 से 20 फ्लेवर हैं। 19 से 20 फ्लेवर, कौन कौन से? को जो कस्टमर डिमांड करे, बताएं हमारे नाज़रीन को, बताएं हमारे मसलन वनीला है, चॉकलेट है, और कैडबरी है, और स्ट्रॉबेरी है, इसमें जितने भी फ्लेवर आते हैं तकरीबन काफ़ी फ्लेवर हैं, 19-20 बन जाते हैं। अच्छा। ऑलमेंड कॉफ़ी है और बहुत कुछ, यानी कि जो मुझे कहते हैं ना मुझे सेब के जूस का चाहिए, एप्पल फ्लेवर आना चाहिए, वो भी फ्लेवर दे देता हूँ। अच्छा, अक्सर जो है यहाँ पर कपल्स भी आते होंगे, वो कहते होंगे कि कॉफ़ी के ऊपर दिल बना कर दें। जी जी, मैं बना के देता हूँ, खाली दिल ही बना कर देते हैं या कुछ और भी? जो उनकी डिमांड हो। मैं कहूँ कि मेरी तस्वीर बना कर दें फिर? वो मुसव्वर नहीं हूँ मैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या रेट्स क्या हैं कॉफ़ी के? मेरे बड़े चीप प्राइसेस हैं यहाँ पे, मैंने चीप प्राइसेस का मतलब ये तो नहीं है कि क्वालिटी चीप है? क्वालिटी चीप नहीं होती मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने रेट कम रखा हुआ है, क्वालिटी के साथ नो कॉम्प्रोमाइज़। गुड। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप देख रही हैं कि जैसे कि पाकिस्तान में इस तरह का स्टॉल जहाँ पर इतनी VIP कॉफ़ी जो है वो बहुत कम स्टॉल है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई स्टॉल है, आप ये पहला ऐसा यहाँ पर कॉफ़ी स्टॉल है जहाँ पर हांगकांग से कॉफ़ी सीखकर जो है वो शख्स यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसे समझ लें कि ना होने के मुताबिक ये प्राइस हैं, बिल्कुल ऐसे समझ लें चीप प्राइसेस हैं, और लेकिन उसका क्वालिटी जो है वो बिल्कुल इतना है कि जैसे कि आप MA मालूम रोड की किसी मशहूर शॉप पर कॉफ़ी का इंजॉय कर रहे हैं। मुझे ये बताइएगा इससे पहले क्या काम करते थे? मेरा इससे पहले म्यूज़िक सेंटर था। म्यूजिक सेंटर, होलसेल का काम करते थे हम हॉल रोड पे, और उसके बाद म्यूजिक सेंटर से बंदा डायरेक्टर बनता है, प्रोड्यूसर बनता है, एक्टर बनता है, सिंगर बनता है, और आप वहाँ से सीधा इधर कॉफ़ी की शॉप पे? जी बेसिकली मसला ये है कि हम म्यूजिक सेंटर थे, जितनी भी चीज़ें रिलीज होती थी हम उसको यानी कि पूरे पाकिस्तान में भेजते थे, यानी कि रिलीजर थे हम लोग। जी जी। तो जब ये एंड्रॉयड फ़ोन आया ना पाकिस्तान में पहली दफ़ा, तो हमारा जितना भी माल था वो लगेगा लगा रह गया। होए होए होए। यानी कि जहाँ एंड्रॉयड मोबाइल ने लोगों का फ़ायदा किया है वहाँ लोगों को डिस्टर्ब भी किया, तबाही कर दी जी उसने। लेकिन ये भी ठीक हुआ है कि अल्लाह पाक के ख़िलाफ़ था ये, उसका हुक्म नहीं था कि ये काम आप ना करें, कुरान शरीफ में भी उनका जिक्र है, तो वो अच्छा ही हुआ अल्लाह पाक से। मैंने कहा ठीक है ये क्राइसिस आया है, ठीक आया है। लेकिन ये स्टार्ट जब किया था तब आपके पास कितने पैसे थे, क्या ख्याल आया कि मैंने ये स्टॉल लगाना है? मेरे माशाल्लाह 5 बच्चे हैं, तो जब ये पिछला जो लॉकडाउन गुजरा ना वो बड़ा टफ गुजरा है, उसमें से तो मेरी हर चीज़ घर की बिक गई है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कमा के अपना घर बनाया है। तो यानी कि इस कॉफ़ी स्टॉल से कमा कर? जी, मैंने कॉफ़ी स्टॉल से नहीं, मैंने म्यूज़िक सेंटर से कमा के पहले घर बनाया अपना। अच्छा। फिर जब वो क्राइसिस आया है, फिर जितना मेरे पास बचा कुचा था वो मैं सरवाइव करता रहा हूँ अपने बच्चों के साथ, और भी बड़े काम किए मैंने, ट्वाइस का काम किया है यहाँ पे। ये कितनी मालियत इसके इस स्टॉल पर लगी थी जब आपने? 35,000 रुपया इन्वेस्ट किया है इसमें, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बड़ा अच्छा गुजारा हो रहा है।
आप डेली के कितनी इसके ऊपर, डेली की 35,000 तो आपने स्टार्ट में इन्वेस्ट कर दिए, डेली की कितने आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इस पर और आपकी सेल क्या है? मेरे यहाँ पे डेली की कुछ 700-800 रुपया इन्वेस्टमेंट होती है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 4-5,000 रुपया लेके जाता हूँ यहाँ से। यानी कि आप देखें कि आप 4,000 रुपया डेली का कमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 1,20,000 महीना बन जाता है जी? काफ़ी बन जाता है, मेरा खर्चा काफ़ी अच्छा निकलता है, मेरे बच्चे स्कूल गोइंग हैं सारे और खुश जाते हैं, खुश आते हैं, जितनी भी डिमांड है उसकी मैं पूरी करता हूँ। कौन करा रहा है? कौन कहता है कि मैं पाकिस्तान छोड़ के किसी और कंट्री में जाऊँगा, अपना रोजगार कमाऊँगा? यहाँ पर एक जो कॉफ़ी स्टॉल है वहाँ से अगर एक शख्स अगर मेहनत करना जानता हो और खुदा की ज़ात पर यकीन हो तो वो यहाँ पर बैठ कर अच्छा रिस्क यहाँ पर कमा सकता है। यानी कि 1,20,000 रुपये ये महाना कमा रहे हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँ कि ये जो शख्स हैं ये आप मेरे सामने देख रहे हैं कि 700-800 रुपये लगा कर हांगकांग से सीख कर ये बाकायदा आए हैं और यहाँ पर जो है अपने जो पाकिस्तानी हैं उनको तोहफा दे रहे हैं। मुझे ये बताएं कि कॉफ़ी का रेट क्या है वैसे? मेरा 150। कोई हमारे चैनल के तवसल से या कोई हमारे चैनल के रेफरेंस से, हमारी रेफरेंस से आपके पास आता है तो कितना डिस्काउंट देंगे? क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं है, रेट में कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अच्छा, इसका मतलब 1,20,000 का टारगेट आपने फुल बनाया जी? अल्हम्दुलिल्लाह। ले जी नाज़रीन, आपको हमने दिखाया कि किस तरह यहाँ पर कॉफ़ी बनाई जाती है, कितने हाई क्वालिटी के साथ यहाँ पर जो है कॉफ़ी को बनाया जाता है। 19 किस्म की यहाँ पर जो है कॉफ़ी बनाई जाती है और इसके साथ साथ आपको बाकायदा ये पूरा आप विजुअल्स हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह कॉफ़ी को बनाया जा रहा है। कोई भी शख्स यहाँ पर आता है तो वो तमाम तर जो VIP रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ के जो कॉफ़ी के टेस्ट हैं वो भूल जाता है, क्योंकि ये पाकिस्तान की मशहूर कॉफ़ी नहीं है, ये हांगकांग से सीखी हुई कॉफ़ी है जो कि पाकिस्तानियों को बगैर हांगकांग जाए यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।